बंगाल में दीदी के नाम से मशहूर ममता बनर्जी सादगी भरा जीवन जीने के लिए जानी जाती हैं। अपने आक्रामक अंदाज और तेज तर्रार छवि के लिए मशहूर ममता बनर्जी की छवि सबसे हटकर है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आखिर ममता बनर्जी जीवन भर कुंवारी क्यों रही? इसके पीछे उनकी कोई मजबूरी रही या किसी तरह का पारिवारिक दबाव रहा? और साथ ही क्यों सफ़ेद साड़ी और रबर की चप्पल में वो हमेशा दिखाई देती हैं? पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी का जन्म कोलकाता शहर में 5 जनवरी 1955 को हुआ था। गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाली ममता बनर्जी के पिता का नाम प्रोमिलेश्वर बनर्जी और माता का नाम गायत्री था। ममता ने अपना ग्रेजुएशन इतिहास से जोगमया देवी इंटर कॉलेज से पूरी की, फिर कलकत्ता विश्वविद्यालय से इस्लामिक इतिहास में एमए की डिग्री प्राप्त की। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में जानी जाती है और उनकी पहचान देश के उन नेताओं में है जो कि अपने फैसले और आक्रामक रवैये के लिए मशहूर रहे हैं। एक जमाने में कांग्रेस पार्टी में राजीव गांधी जैसे नेताओं की सहयोगी रहने वाली ममता बनर्जी अब पश्चिम बंगाल की सुपर सीएम के रूप में 10 साल का कार्यकाल पूरा कर चुकी हैं। एमए की डिग्री प्राप्त करने के बाद ममता बनर्जी ने श्री शिक्षायातन कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की। इन सब के बाद उन्होंने कानून की पढ़ाई करने का मन बनाया और फिर उन्होंने जोगेश चंद्र चौधरी लॉ कॉलेज से LLB की डिग्री प्राप्त की। LLB की पढ़ाई खत्म करते ही ममता बनर्जी ने राजनीति में प्रवेश करने के लिए कांग्रेस का सहारा लिया। साल 1997 को ममता बनर्जी ने ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की नींव रखी। साल 1998 में औपचारिक रूप से ममता की ये पार्टी अस्तित्व में आई। साल 1999 में ममता बनर्जी ने NDA सरकार में मंत्री पद का कार्यभार संभाला, लेकिन साल 2001 में ही ममता ने NDA को छोड़ दिया। इसके बाद वो कोयला मंत्रालय की मंत्री बन गई और फिर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के तौर पर ममता बनर्जी ने साल 2011 में शपथ ली। संसद से राज्य की सत्ता तक का सफर करने की दिशा में ममता बनर्जी लगातार तब की वामपंथी सरकार का पश्चिम बंगाल में खुला विरोध करती रही। ये एक बड़ा प्रश्न है कि आखिर ममता बनर्जी ने शादी क्यों नहीं की? दरअसल ममता समाज की कुछ वैसी परंपराओं की विरोधी रही जो खुद समाज के लिए हानिकारक रही हैं। उनमें सेवा भाव शुरू से बहुत रहा है। इसी वजह से ममता बनर्जी शादी के बंधन में कभी नहीं बंधी। वो नहीं चाहती थी कि किसी तरह का बंधन उन्हें बांध पाए। वो नहीं चाहती थी कि किसी तरह का बंधन उनके समाज सेवा में बंधक बने। इसलिए ममता बनर्जी ने कभी शादी नहीं की और जिंदगी भर कुंवारी रही। साथ ही एक बात आपने अक्सर नीली कन्नी वाली सफेद साड़ी में ही ममता बनर्जी को देखा होगा। ममता लगभग हमेशा ही नीली किनारी वाली सफेद साड़ी और हवाई चप्पल में दिखाई देती है। खबरों के मुताबिक ममता बनर्जी के पास जरूरत के हिसाब से ही कपड़े हैं। वो ज्यादा कपड़े जमा करने में भी यकीन नहीं करती। इसका कारण ममता का सादगी भरा जीवन ही नहीं बल्कि बचपन में झेली आर्थिक तंगी को भी बताया जाता है। दरअसल वे जब 9 साल की थी तभी उनके पिता का निधन हो गया। इसके बाद ममता और उनके परिवार को कई सारी आर्थिक मुश्किलों से गुजरना पड़ा। ममता बनर्जी के जमीन से जुड़ा होने का एक और प्रमाण ये भी दिया जाता है कि दूसरे राजनेताओं से अलग उनके घर पर आने वाले मेहमानों को शाही भोजन के बजाय स्थानीय खाना ही परोसा जाता है। अक्सर उनके घर आने वालों के सामने चाय और मुरमुरे का नाश्ता पेश किया जाता है। समर्थकों के बीच दीदी के नाम से मशहूर ममता ऐसी कई वजहों से अपनी सादगी को लेकर जानी जाती है। उनकी तेज चाल, हवाई चप्पल पहने हुए ममता अक्सर लंबी लंबी पदयात्राएं करती हैं। अपनी सूती साड़ी और फ्लैट चप्पल में वे रैलियों में सबसे आगे तेज और सदे कदमों में चलती हैं, जो कि उन्हें आत्मविश्वासी और महत्वाकांक्षी दिखाता है। यही नहीं, ममता बनर्जी जब घर से दफ्तर या दूसरी जगहों पर जाती है तो उनके साथ गाड़ियों का लंबा चौड़ा काफिला भी नहीं दिखाई देता है। रोज की ताजा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHBC न्यूज चैनल, साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।